ही है, बिस्तर लगा लेते हैं। ये आंटी अंकल जी हैं, इनको सीधा कर देते हैं, टेढ़े हो रखे हैं। सीधा कर देती हूँ। अंकल जी कैसे हो, आंटी जी कैसी हैं? मतलब आप कहीं कुछ और अंकल आंटी जी नहीं समझना, ये आंटी थी और ये आंटी है, ये अंकल डांडिया खेल रहे हैं। बात कह रही हूँ भैया, बिस्तर तो गोल गोल घूम के ही लगता है। मेरा चप्पल उधर है, इधर है। अभी क्या इसीलिए बोलते बिस्तर गोल गोल ही घूम के लगता है। तो गाइस मम्मी दौड़ रही इधर से उधर, इधर से उधर, क्या कर रहे गाइस? ये मम्मी ये बिस्तर में, अबे तू क्या कर रही है यहां पे, मेरा बिस्तर खराब कर रहा है, नॉर है, क्या कर रही तू? मेरे को बिस्तर लगा दे ना, तकिया रख ले ना, पिल्लो रख लियो ना। क्या गाइस बिस्तर आके बिगाड़े जा रहा है, पटा क्या है, डर भी लग रहा है तेरे हाथ से। क्या है बिस्तर में, तू ही सोता है ना गाइस? ट्रिंगो को मार रहा है, मम्मी को मार रहा है, क्या चल रहा है ये? शांत रह, पागल हो गए, धरे पड़ गए तेरे को, मार दूंगी मैं, चल निकल यहां से, मेरे काम बिगाड़ रहे सबसे। वाह गुड, समझ रहा है ना तू? रात को मेरे को क्यों काटने दौड़ा था, क्यों दौड़ा था? धमका रहा है कि बात करने आ रहा है? निकल, पहले फुर्सत में निकल, तू मैं भी मारूंगी तेरे को। तूने रात को मेरे को काटने को दौड़ा था, मार के इनको कौन काटता है बताओ? वही बात हो गई ना, सांप को दूध पिलाओ सांप डसता है। इधर देखो इधर देखो, ये सांप ही बन रहा हो, बहुत खतरनाक है ये, बहुत बदमाश है ये, मारने की इच्छा नहीं, बहुत है, क्या मारूं, बीमार है बहुत। क्या गाइस आपके मालिक को काटता, बबी परी मुझे काटा है उसने, मुझे नैन्सी को भी काटा है ना, वो भी एक चिड़िया के लिए काटा, एक चिड़िया जो चिड़िया को उसने मार दिया था, उस चिड़िया को बस ये उठाने गई, इसने ऐसा पकड़ा हल्का सा दांत लगा। बात बताऊं, कल रात उसने मेरे साथ बहुत बड़ा चीटिंग किया, आमलेट बनाया था मैंने, सबको आमलेट खिला दिया, और जब मेरा खाने का टाइम आया तो एक फोन आके मैं गई, देखा उसकी बुराई करके भाग गया वो, इसने क्या किया, गैस जो उठा था ना, पैसे ऐसे 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 करके उसको खींच के गिराया, उसने मिर्ची धनिया प्याज गाइस 1% नहीं छोड़ा इस बंदे ने, पूरा गाइस चोरी करके खाया इसने, चोरी करके। देखो इसका मुंह देखो, बोला है पर है नहीं, तो बोला है क्या बाबू? नहीं है, बहुत बेकार है, चोर है, चोर है, चोर नालायक, चल उठ के बैठ रहे वो, नहीं बिल्कुल नहीं। और गंदी आदत तो ये कि कोई कहीं भी जाएगा पहले आके इससे मिलो, इसे प्यार करो, इसे बात करो। मम्मी नहीं छोड़ता बाबा। तूने मेरा काम बढ़ा तो तोड़ डालूंगी मैं, समझ ले? हाँ मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैं छोड़ के 3 बार छत पे चक्कर लगाए गए इस मेहनत के लिए, 3 बार आप सोचो आप। हाँ मैं इतनी ठंड कर रहा था, इतनी ठंडक रही थी, मैं ऊपर से मेरी क्या पहनी थी, फ्रॉक टाइप का पहनी थी, टांगों में ठंडी हवा आ रही थी मेरे, इसने देखो मेरा ऐसे तैसे कर, ऐसा बेटा होता है, देख बाओ तेरी कितनी बेइज्जती कर रही मम्मी। देखो गाइस ये कौन है जरूर बताना कमेंट करके, बहुत पुराना है ये फ्रेम देख के समझ रहा होगा कि कितने मतलब हो गया, इसको चेंज करना है। देखो कौन है जरूर बताना, उस पर भी ऐसे कर, इस पर लाइट आ रहा है समय, इस पे ये पिक्चर अंदर से फट गई शायद से। ये देखो गाइस ये और भी पिक्चर है, बहुत पुरानी पुरानी गाइस, बहुत सुंदर थी मेरी मम्मी, अभी भी है ना गाइस, थी मतलब गई वो ऊपर। नहीं ना गाइस आपकी एक और फोटो थी ना, वो भी तो दिखा, वो भी थी, आप रुक जाइए पर मैं सब इधर ही सजाए, तो मेरा ही बेडरूम है ना, देखो कोई खास नहीं है ये शाइन वाला। मैं मार्केट सब्जी मंडी में गई थी सब्जी लेने, तो मन आया मैं बहुत फोटो की पहले दिवाली में तो फोटो खिंचाने की, तो मैं स्टूडियो में घुस गई, ऐसी थी सिंपल तरीके से, चश्मो तो सर पे, ये चश्मदीन थी 2015 से चश्मा लगा है, शाइन मार रहा है, शाइन मार रहा है, देख लो देख अच्छे देख लो, तो बस मैंने ऐसे खिंचा लिया, ना कुछ मेकअप है ना कुछ, बस हल्का सा देख लो आंख में काजल, हल्की सी लिपस्टिक है बस, वो तो मैं पिक्चर करना थोड़ा कलर लोगे, काली होगी लिपस्टिक काली, तो ये असल में कलर और वो लाइट का इफेक्ट हो रहा उधर से, कभी ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, गाइस लिपस्टिक पिंक है, ए पिंक नहीं है, मैं कभी पिंक नहीं लगाई, मतलब वैसा गुलाबी ओठ है वो। नहीं मैं हल्का मरून टाइप लगाती हूँ, मुझे अभी देखो जैसा ओठ है ना,
वैसा है, लाइट था, ये थोड़ा डार्क है, हाँ। लाइट था। मैं बोली ना मैं सब्जी लेने गई थी, पर जैसे स्टूडियो दिखा घुसे, मैं हमेशा ऐसे करती थी, मैं और फोटो कभी मौका मिला गाइस पूरा डाल देखे था, मेरी मम्मी कितना सुंदर है। लोग तो चिढ़ते हैं मेरे इस बात से सुन के, मैं नहीं बोलती, देखो अभी बता रही, किसी ने बोला था ऐसे मेरी बेटी को कि हाँ जब देखो तू बोलती तेरी मम्मी सुंदर, नहीं 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 मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ भैया, सब अपनी तारीफ करो। अब लोग अपने आप को कम समझते हैं तो अब क्या कर सकते हैं। नहीं गाइस मैं तो बताऊंगी भगवान ने मुझे जैसे बनाया वैसी हूँ। हाँ तो इंसान सब अपने लिए खूबसूरत है, कोई इंसान अपने लिए खूबसूरत है, कोई इंसान अपने लिए खूबसूरत है। शुगर पेशेंट हूँ, अब भगवान ने जैसा बनाया वैसा बनाया, कसम से पर्सनली कभी मिलके देखना और फिर मेरे गालों को छू के देखना, मतलब ऑनली गर्ल्स हैं, पता चल जाएगा कि हाँ दीदी मेकअप क्या करती है क्या नहीं। कभी भी अपने आपको कोई बॉडी शेमिंग मत करो, ये मत करो, सब अपने लिए खूबसूरत है। थोड़ा सा प्लीज बोलना चाहती हूँ इस बात के लिए, तो कभी भी देखिए कोई जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, प्लीज किसी की बॉडी शेमिंग मत करना, बहुत बुरी चीज है। ऐसे मेरे सामने बहुत सारी चीजें आई है लोगों के, मैंने देखा है बहुत से लेडीज ऐसे जिससे मैं बात करती हूँ कहते हैं कि उनकी बॉडी शेमिंग पे होता है, लोग कमेंट करते हैं ना कि ऐसी जेंट्स हो लेडीज हो वुमेन हो ओल्ड मैन हो, कभी नहीं करना चाहिए। एक बात ये कह रही कि मैंने बहुत से ऐसे आदमियों को भी देखा है, देखो मेरे भाई लोग बुरा मत मानना, 95 लोग खराब है तो 5 लोग अच्छे भी हैं, ऐसा बोलूंगी मैं ज्यादा। आज के कल युग में तो ये नहीं बोलूंगी 95 लोग अच्छे हैं, क्या होता है देखिए एक जैसे प्राकृतिक होती है ना उस तरह से एक लेडीज होती है, तो कैसा है कि वो कैसा है थोड़ा सा अपने बॉडी को उनके चेंज होते हैं, लेकिन मर्द मर्द के भी होते हैं ना। कभी किसी लेडीज के मुंह से सुना है कि अरे चन्ना तू तो कितना मोटा, तेरा 9 महीने जैसे फिट, नहीं बोलते हम लेडीज अक्सर नहीं बोलती हैं, पर जेंट्स ऐसा बोल देते हैं, लड़के ऐसा बोल देते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है ऐसा मत बोलिए, सबके घर में माँ बहन है, पहले अपने माँ बहनों को देखिए फिर दूसरों को बोलिए। तो किसी को ये मत कहो कि तुम मोटे हो बहंदे हो, ये मत सोचना कि मैं किसी पर्टिकुलर के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं, एक नॉर्मली बात कर रही हूँ। प्लीज बहुत हर्ट होता है और किसी के आत्मा को दुखा के कभी कोई इंसान सुखी नहीं रहता है, तो किसी के आत्मा को मत दुखाइए, हो सके तो उसे खुश और सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके सामने कोई बदतमीजी कर रहा है मर्द के लिए औरत के लिए, तो प्लीज स्टॉप करिए। मिलते हैं तब तक, ऐसी प्यार देना, सबको प्यार देना, सबको प्यार देना, सबकी रिस्पेक्ट करना। ये रीना को रख देती हूँ वरना ये गिर के फूट जाएगी, बहुत पुराने फ्रेम हो चुके हैं, मुझे ऐसे फ्रेम अच्छे लगते हैं, ये तो मेरी पसंद है, बाकी वो किसी और की पसंद है। गाइस ना दूसरा फ्रेम था फिर वो फूट गया था, फिर ये दूसरा लाना पड़ा था उसके लिए, मुझे बस कलर पसंद नहीं है, वो ऑरेंज कलर गाइस मिला ही नहीं। नो चलो मैं इसको रख देती हूँ। तो गाइस मैं ये सारे काम निपटा के और देखो मिलती हूँ क्या आपसे दोपहर में खाना बनाने के बाद, बैठ जाती हूँ थोड़ा सा फिर शायद इवनिंग में मिलूँ या फिर नेचुरल मिलूँ। तो फिर आप ध्यान देना किस बात का, मेरा अच्छे कमेंट से अपने प्यार से, और शेयर कर दिया करो यार मजा आएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो ठीक है। चलो फिर पहले मैं आपको ना थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ कैसा मौसम है, खिड़की बंद कर दूँ। अरे गाइस ये पागल हो गया गाइस, मारूंगी मैं, रात को भी ऐसे डरा, चुप रे। क्या कर रहा तू, क्या कर रहा पागल शंभू, ये वो कैसा कितना धुआं धुआं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ना, सही बताऊं ऐसे ना पहाड़ी एरिया पे जहाँ खूब बर्फ गिरी धुआं मुझे बहुत पसंद है, नेचर से बहुत प्यार है मुझे, बहुत है। देखो ना गाइस ये देखो देखो ये देखो कितना धुंध है, सामने का दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है कि इतना चीज़, ज़ूम करके दिखा, ज़ूम करके तो कैमरे में ना पता नहीं चलता। मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और छत पे मैं हूँ, मुझे कितनी अच्छी फीलिंग हो रही, इतना ठंडा लग रहा है। ये देखो ये देखो नजारा देख, डायलॉग बताते डायलॉग है गाने करके बेसुरी आवाज में, प्लीज माफ करना उसके लिए पहले से सॉरी बोलती हूँ, लोगों के कान खराब होने वाले हैं, दुनिया उठती है, दुनिया जलती है जलने दो, वाह दुनिया जलती है जलने दो, खाओ पियो ऐश करो भगवान का भजन करो, वाह।
इतना मजा आ रहा है ना, बहुत अच्छा है। नाक देखो मेरी ऐसी हो रही है, मैं जा रही करूँ चाय बना रही हूँ, आप लोग भी आती है चाय पीना चाहते हो तो हमें एक साथ एंजॉय करना है। चलो चलो चाय बिस्कुट ठंडी चाय डालेंगे तो पी लेगा, इतना नाला। मतलब कब से नहीं पीता, पर ऐसे थाली या किसी जो जिसमें खाना खाता उसमें डालो, वाह मस्त पीता। शुरू शुरू कर रही है, ठंड लग गई, मैं जाती हूँ नीचे मस्त।